तो फ्रेंड्स, फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया है और इंडिया में ये आपका जो है तो रियलमी X7 Max 5G के साथ लॉन्च हुआ है। और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, काफ़ी अच्छा लुक्स है और ये इंडिया में आपको लॉन्च कर दिया गया है। और इसका जो प्रोसेसर है तो आपको 1200 में आपको मिल रहा है, 5G प्रोसेसर है, डुअल में आपको 5G सपोर्ट को मिलता है। तो बहुत कुछ इस मोबाइल में है, तो वीडियो को स्टार्ट करते और बताते कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है इस फ़ोन में और इस फ़ोन में आपको क्या खासियत है। तो फ़ोन में आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक में कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में, लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैमरा का सेटअप आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और फ्रंट में भी आपको ड्रॉप नॉच मिलता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डुअल 5G का। तो इसमें आपको सबसे पहले सपोर्ट मिलता है डुअल 5G का, फिर इसके बाद आपको 50 वाट का सुपर दर चार्ज मिलता है जो कि आपको 16 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, मतलब आपको 32 मिनट में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। और वेट का बात करें तो 179 ग्राम सुपर स्लिम एंड लाइट फ़ोन है। आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, कलर्स आप अपने पसंद से कर सकते हैं। इसके बाद आप चलते हैं प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर आप देख सकते हैं 1200 का मिलता है, आपका 5G प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और सीपीयू की बात करें तो सीपीयू आपका TDSMC 6 NM पर प्रोसेसर पर ऑक्टा कोर अप टू 3 GHz पर आपको मिलता है। फिर जीपीयू की बात करें तो जीपीयू की ARM G77 MC9 आपको जीपीयू मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको 12 GB रैम और 256 GB रैम स्टोरेज के साथ मिलता है जो कि आपका बहुत है स्टोरेज के लिए। फिर इसके बाद आपको दूसरा वेरियंट मिलता है 8 GB 128 GB में मिलता है। फिर इसके बाद दो वेरिएंट में आपको मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि 6.43 इंच का आपका डिस्प्ले जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल आपको सपोर्ट करता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि 2400x1080 Full HD+ को आपको मिलेगा। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। टच सैंपलिंग रेट की बात करें 360 Hz का मिलता है रिफ्रेश रेट। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 91.7 का आपको मिलता है। चार्जिंग और बैटरी की बात करें तो चार्जिंग आपको 50 वाट सुपर दैट चार्जिंग आपको चार्जर मिलता है जो कि आपको काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा। फिर इसके बाद आपको बैटरी मैंने बता ही दिया है और इसमें आपको 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर चार्जिंग आपको सपोर्ट करता है USB-C टाइप के पोर्ट के साथ। और इसमें बात करें तो 4400 mAh की बैटरी है, कैपेसिटी आपको सपोर्ट करेगा जो कि बैटरी भी काफ़ी चलेगी। अब आते हैं कैमरे की ओर, तो कैमरा आपको सोनी का 64 MP का ट्रिपल कैमरा 119 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे आपको मिलेगा। इसके बाद आपको रियल कैमरे की बात करें तो रियल कैमरा आपका जो है तो 64 MP का है, जो 64 MP का कैमरा है फोकल लेंथ की बात करें तो आपको 6 mm का मिलता है, आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पे। लेंस में आपकी बात करें जो मेन है तो P6 लेंस आपको मिलता है। सेंसर जो आपका लगा सोनी का लगा हुआ है, IMX682 डला हुआ है। और फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। फिर इसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल है, जो आपको लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको 15.7 mm का है और इसमें P5 लेंस मिलेगा। आप इसमें 4K वीडियो को सपोर्ट करेगा वीडियो आपकी। फिर इसके बाद माइक्रो लेंस की बात करें तो माइक्रो लेंस भी आप देख सकते हैं P3 आपको लेंस मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा आपको 16 MP का मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटो आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आपको ये बैंड की बात है तो बैंड आपको सब वही 5G सपोर्ट करता है। NFC आपको नहीं मिलता, डुअल फ्रिक्वेंसी GPS मिलता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं फ़ोन की लेंथ वेट आपको मैंने जैसे बता ही चुका हूँ। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग आपको C टाइप मिलती है, नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करता है और 3.5 ईयरफोन्स सपोर्ट आपको मिलता है। फिर इसके बाद पावर बटन, स्पीकर, डुअल स्पीकर आपको मिलता है, डुअल माइक मिलता है, सब आपको डुअल मिलते हैं। सेंसर की बात करें तो सेंसर आप देख सकते हैं कि कितने सेंसर आपको इसमें मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 11 को मिलेगा। फिर
तो आपको पैकेजिंग के साथ देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। तो आपको बस इतना ही अपडेट देना था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।